हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने कॉन्टेक्ट नेम को एडिट कर सकते हो। ओह माय गॉड, वाओ। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं या फिर जल्दबाजी में किसी से हम अपने फ्रेंड का नंबर लेते हैं, जिसके बाद उसको किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं, ये सोच करके कि चलो इस नाम को हम बाद में एडिट कर लेंगे, फिर इस नाम को बाद में सेव कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ये नहीं पता है कि किस तरह से उस नाम को दोबारा एडिट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने कॉन्टैक्ट नाम को एडिट कर सकते हो, यानी कि अपने कॉन्टैक्ट में जो नाम से सेव है उस नाम को आप दोबारा एडिट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। उससे पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह अमेजिंग कॉन्टेंट मैं आपके लिए रोज लेके आता रहता हूँ। तो जल्दी जल्दी सीधा मोबाइल को हम स्क्रीन पे, तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैं आगे अपने मोबाइल को हम स्क्रीन पे, और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको अपने कॉन्टैक्ट नाम को एडिट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपना डायलर पैड को ओपन कर लेना है। डायलर पैड को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट जो है वो शो करने लगेगा, जो आइकन बना है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जितना सारा आपका कॉन्टैक्ट रहेगा वो आपके सामने में आ जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च बार का ऑप्शन मिल के यहाँ पे आप उस नाम को सर्च मार सकते हैं। तो यहाँ से मैं उस व्यक्ति का नाम को सर्च मार लेता हूँ जिस व्यक्ति का नाम को मुझे एडिट करना है। तो यहाँ पे उसका नाम आ गया है, तो उसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। उसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, अगर वो व्हाट्सअप चलाता है तो उसका डिटेल सब कुछ यहाँ पे आ गया है। उसके बाद अब मुझे इसके नाम को एडिट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ऊपर में आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस एडिट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। एडिट के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो उसका मोबाइल नंबर और उसका नाम आ गया है। तो यहाँ पे उसका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए उस नाम को मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ ये बस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने उसका नाम को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद ऊपर में आपको यहाँ पे डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस डन के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब डन के ऑप्शन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे देख सकते हो उसका नाम जो है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी कॉन्टैक्ट नेम को चेंज कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने कॉन्टैक्ट नेम को एडिट कर सकते हो, जिसके बाद आप जो भी नाम देना चाहते हो उस कॉन्टैक्ट को दे सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो सब लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। आई होप ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।